उपाध्यक्ष प्रभात झा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ ने यूपीए सरकार में मंत्री रहते हुए चीन के हित में कार्य किया है, यह सब ऑन रिकॉर्ड है और इससे जुड़े हुए दस्तावेज भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि चीन से चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी क्यों चीन की भाषा बोल रहे हैं, यह सब समझ आने लगा है। जो दस्तावेज सामने आए हैं उसको देखकर मैं कह सकता हूं कि कमलनाथ चीन का एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। झा ने यह भी कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी के बीच कई समझौते हुए। इसी में एक समझौता यह भी हुआ था कि भारत में जो सामान सरलता से उपलब्ध है उसका आयात बढ़ाया जाए। ऐसी 250 वस्तुएं चिन्हित की गई थी जिनका आयात करने का तय हुआ था। झा ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा करने से चीन को जो लाभ हुआ उस पैसे से कांग्रेस की मदद की गई और पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में भेजा गया। यह एक नेशनल क्राइम है और इसके जिम्मेदार उस समय के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कमलनाथ है। कमलनाथ को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीजों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीजों का आयात करना और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है, हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, ये नेशनल क्राइम है और इसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है उस समय के वाणिज्य मंत्री, जो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। और वो दस्तावेज आज सारे जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह के समझौते हुए। ये जो चीन भक्ति है ये राष्ट्रभक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हैं या भारत के भारतीय हैं या चीन के एजेंट हैं, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। नहीं तो ये गांव गांव और गली गली में देश के फैलाया जाएगा, बताया जाएगा कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं, दूतावास में जाकर क्या क्या बातें करते हैं, राजीव गांधी के फाउंडेशन में कितने पैसे आते हैं, क्यों आते हैं। और इसका सूत्रधार दुर्भाग्य से हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री निकले हैं, यही बात मुझे आपसे कहनी। वहीं कांग्रेस के नरेंद्र सलूजा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रभात झा की मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं। जब से उनके कट्टर विरोधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था तब से वे बेचैन थे और आज उसी की बौखलाहट हमें देखने को मिल रही है। ये वही प्रभात झा हैं जिन्होंने सिंधिया पर भूमाफिया होने का आरोप लगाया था। कमलनाथ पर आरोप लगाने से पहले प्रभात झा एक बार पार्षद या सरपंच का चुनाव लड़कर जीत लें, फिर उसके बाद कमलनाथ जी जैसे बड़े कद के नेता पर उन्हें आरोप लगाना चाहिए। प्रभात झा एक बड़ा बेबुनियाद और बचकाना आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ जी चीन के एजेंट है। अब प्रभात झा की मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं, पार्टी ने उनको राज्यसभा का दावेदार भी नहीं बनाया, उम्मीदवार भी नहीं बनाया और उनकी बजाय दल बदल कर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना दिया जो उनके कट्टर विरोधी है। अब आज तक एक पार्षद का सरपंच का चुनाव तो जीत नहीं पाए, अब 10 बार के चुनाव जीते हुए सांसद का चुनाव जीते कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, यह तो वैसे हुआ जैसे सूरज के ऊपर थूकने के समान हुआ।